अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बेस्ट कुकिंग विद अंजू। आज हम बनाएंगे सूरत के स्पेशल ड्रिंक कोकोआ ड्रिंक, जो बड़े ही मज़े की बनेगी। सबसे पहले एक पैन लेंगे नॉन स्टिक, उसमें 600 ml मिल्क डालेंगे। हाफ लीटर 100 ml, अब दूध को गर्म होने देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करना ज़रूर, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दूध थोड़ा नीम गर्म हो जाए, तब तक हम एक बाउल में 2 स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, 2 स्पून कोको पाउडर, 1/2 स्पून दूध शामिल करेंगे। अगर डायरेक्ट पाउडर हम दूध में मिक्स करेंगे तो इसके लम्प्स पड़ जाएंगे। इस तरह से 1/2 स्पून दूध में ऐड करके पहले पेस्ट बनाएंगे थिक वाला। रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त बहुत ही अच्छा लगता है, 2 से 3 घंटे पहले बना कर रख लेंगे और सर्व करते वक्त आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। कोई लम्प्स ना रहे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारा दूध भी 1/2 गर्म हो गया है और थोड़ा गर्म करके मैं यहाँ पे 4 स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। शुगर मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे। दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसे बॉईल ना करें वरना इसके ऊपर एक मलाई जम जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। अब ये वाला पेस्ट हम ऐड करते हैं। अब कंटिन्यूसली इसे थिक होने तक पकाएंगे। इसमें अभी थोड़ा है मिल्क डालकर हमें ये भी डाल देंगे। अगर इसे हम कंटिन्यूसली स्टर नहीं करेंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा, जो कि ड्रिंक में जली हुई स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ये गाढ़ा हो जाएगा। इसे कंटिन्यूसली स्टर करें। इसे और थोड़ा गाढ़ा करेंगे। इसमें मुझे शुगर थोड़ी कम लग रही है इसीलिए मैं 1 स्पून और डालूंगी। शुगर मेल्ट होने तक पकाकर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है चॉकलेट की।
अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और कम इसमें मैं यहाँ पर एक डेरी मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, इसे और चॉकलेटी एंड टेस्टी करने के लिए। फ्लेम ऑफ ही है, अब कंप्लीटली ठंडा करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी आइस क्यूब्स ले लिया है, अब हम इसे क्रश करेंगे एक कपड़े में डालकर बेलन से। बिल्कुल इसी तरह से हमें आइस के चंक्स चाहिए। अगर ये हम ग्राइंडर में पीस लेते तो बहुत ही बारीक फाइन हो जाता था, जो कि अच्छा नहीं लगता कोल्ड कोकोआ में। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। माशाल्लाह से पूरी तरह से ठंडा हो गया है और देखिए कितना ही गाढ़ा हो गया है। इसी स्टेज पे आप इसे फ्रीज कर कर भी रख सकते हैं, जब चाहे बनाकर यूज करें। पहले हम एक स्टील का ग्लास लेंगे, थोड़े से आइस चंक्स डालेंगे, फिर कोकोआ डालेंगे, जितनी आइस डलेगी उतना ही टेस्ट और आएगा। थोड़ा मिक्स करेंगे पहले इसे, ताकि इक्वली कोल्ड हो जाए। अब हम सर्विंग ग्लास लेंगे, थोड़ी सी आइस और एक मिक्स किया हुआ कोकोवा। इसी तरह से सारे ग्लासेस बना लेंगे। तैयार हो चुका है हमारा ठंडा ठंडा कोकोवा।